क्लासेस जो CDP का हमारा लेक्चर 13 रहने वाला है और हम लोग वाइगोस्की के रिलेटेड अभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी आपकी आज की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम लोग वाइगोस्की को थ्योरी में पढ़ेंगे और थ्योरी में पढ़ने के बाद 10 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कहता है कि डैश अकर व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास, यानी कि तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। बदलने का मतलब होता है कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, उस चीज़ में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जब स्कीमा की बात आएगी तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि ये दो ऑप्शंस तो आप अपने आप ही कट कर देंगे, क्योंकि स्कीमा जो है वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यही दो स्कीमा रहते हैं जो कि प्याजे ने दिए हुए हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि बच्चा अपना जो उसका मतलब ज्ञान है उसमें कोई चीज़ ऐड कर लेता है और जोड़ लेता है, और एकोमोडेशन का मतलब हो जाता है कि उसमें बदलाव करके उस चीज़ को जोड़ लेता है, ठीक है। जैसे अभी तक बच्चा पेन से लिख रहा था, उसने पेंसिल से लिख रहा था, उसने पेन के डिज़ाइन वाली पेंसिल देखी तो उसको कन्फ्यूज़न हो गया कि ये क्या है ये क्या नहीं है, लेकिन जब उसने लिख कर देखा तो उसने अपने स्कीमा में उस चीज़ को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। तो इसका इसका सही जो आंसर है वो आपको मॉडिफिकेशन होगा। लेव वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ डैश थ्योरी एज ही आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो लेव वाइगोस्की की बात आई है तो आपका सोशियो और कल्चर जो है सबसे बेस्ट आंसर है और यही आपका सही भी है। व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर्ड टू अ चाइल्ड टू फिट द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जब एक शिक्षक बच्चे को दी जाने वाली सहायता को बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुरूप समायोजित करती है, एंड टू हेल्प हर रीच हर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट द टीचर इज, और उसे उसके निकटतम विकास के क्षेत्र तक पहुंचाने में मदद करती है, तो टीचर क्या करती है? तो टीचर इसका फोल्डिंग करती है, मचान करती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। वाइल वर्किंग इन अ जिग्सॉ पजल, एक जिग्सॉ पजल है, उसमें 5 साल की शीला अपने आप से कहती है कि वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन डार्कर वन दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू, यानी कि एक जिग्सॉ एक पजल है, उसको सॉल्व करते हुए एक 5 साल की लड़की शीला है वो खुद से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। जैसे हम लोग अपने आप से बात करते हैं, अरे यार इसका क्या आंसर था, अरे यही तो था यार मैंने पढ़ा तो था, शिट यार अभी याद नहीं आ रहा, अरे देखो फलानी मैम ने ये वाला क्वेश्चन हमको ऐसे करके पढ़ाया था, तो ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये जो खुद से हम बात करते हैं ये वाइगोस्की के अनुसार जो ये प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। और पियाजे के अनुसार ये आपकी ईगोसेंट्रिक स्पीच है। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड वेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर से वही चीज आ रही है कि बच्चों को संकेत देना और अवस्था पढ़ने पर सहायता प्रदान करना, इसका फोल्डिंग का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एम्फिसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन देयर थिंकिंग, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों पर, देखिए बच्चों में जो ज्ञान है जो जिज्ञासा है उनको लिटिल साइंटिस्ट तो प्याजे कहते हैं, ठीक है। प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वो कैसे हैं, बच्चे जिज्ञासु हैं, ठीक है, बच्चे एक्टिव सीकर है ये लिखा हुआ है, बच्चे कैसे हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, ये सब बातें तो आपके प्याजे कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आप लोगों ने देख लो, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ समझाती हुई चल रही हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें ताकि आपके जो शब्द हैं आप उनको आराम से पकड़ सकें। यहाँ पे बात की गई है सोशल और कल्चर की, तो ये आपका लेव वाइगोस्की ही इसका उत्तर होगा। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कि सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण डैश के महत्व पर जोर देता है। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट किसका है, अपना लेव वाइगोस्की का है, और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं, ये तो अपने आप पर निगेटिव है, मानकीकृत मूल्यांकन भी नहीं, आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका एकदम सही है। The concept of private speech of children as proposed by Vygotsky, मतलब वाइगोस्की ने जो बच्चों की निजी भाषा अवधारणा है उस पर क्या कहा है, shows that children are stupid, नहीं children stupid नहीं है, ये negative है, illustrate नहीं, egocentric की बात तो प्याजे करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। सो दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। द टीचर नोटिस दैट सीमा कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑन हर ओन, मतलब एक शिक्षिका है वो देखती है कि सीमा स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, हालांकि वह ऐसा व्यस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन से करती है, यानी कि उसको कोई अडल्ट पीर या फिर उसकी टीचर उसको गाइडेंस दे रही है, और जहाँ पर भी बात गाइडेंस की आएगी, हेल्प की आएगी, सहायता की आएगी, वहाँ पर बात किसकी आएगी, स्कैफोल्डिंग की। वेरी गुड,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग. अब आपको बताना है, हम लोगों ने इतना सारा स्कैप फोल्डिंग पढ़ा तो स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल क्या है. ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट एनकरेजिंग क्वेश्चन ये नहीं है. मोटिवेशनल लेक्चर ये भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है हिंट देना, क्ल्यूज देना, सहायता करना. ठीक है, बोथ ऐसा नहीं है. गिविंग प्रमोट्स एंड क्यूज एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्चर. ठीक है, संकेत देते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल पूछते हैं. ऑल राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोत्स्की. यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और सीखने के बीच संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है जैसा कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित हुआ है. तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज साइनोमियस विद लर्निंग, यानी कि विकास सीखने का पर्यायवाची है. डेवलपमेंट प्रोसेस लैग बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, या फिर डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग. ऐसा तो नहीं है कि जो विकास है वो सीखने के स्वतंत्र, विकास प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है. हमें किसके अनुसार बताना है, वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित किया गया. तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लैग बिहाइंड करता है लर्निंग प्रोसेस के. ठीक है, ऑल राइट. तो ये थे आज के हमारे 11 क्वेश्चन. ऑल राइट, हम लोगों ने टोटल 41 क्वेश्चंस वाइगोत्स्की से रिलेटेड कर ली है. आप लोगों ने ये सारी ही वीडियोज़ देखी होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं. साथ ही अगर आपने वीडियोज़ देखी और आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए. आपका एक लाइक एक स्माइल देता है. ऑल राइट, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो जो भी सीरीज़ है उनको कंटिन्यू देखते रहिए. बाकी आप जो भी बुक वगैरह अगर कुछ प्रेफर करते हैं तो उसको भी पढ़िएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.